अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. आई एम मिस कुरतुलेन, योर एसएसटी टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन नेम्ड स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक वर्ल्ड टुडे. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आउट दिस चैप्टर. आज मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट करूँगी आपके सामने और एक्सप्लेनेशन दूंगी जितना इस लेक्चर में कवर हो सकेगा. देन वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. नाउ ओपन पेज नंबर 81. पेज नंबर 81, चैप्टर नेम है आपका स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक वर्ल्ड टुडे. एज यू नो, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैलाया. ठीक है, इस्लाम का फैलना और इस्लामिक वर्ल्ड टुडे और आज का जो हमारा दुनिया है, आज जो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपको बताया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि इस्लाम किस तरीके से फैला. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अल्लाह हैज़ बीन सो बेनिफुलेंट टू द मैन काइंड दैट इन एवरी एरा. अल्लाह ताला जो है बहुत मेहरबान रहा है अपनी मखलूकात पर, इंसानों पर, हर दौर में. एवरी एरा मतलब हर दौर में. ही हैज़ सेंड मैसेंजर्स. मैसेंजर्स किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, यानी कि रसूल और नबी. टू शो देम द राइट पाथ, ताकि वो आपको क्या दिखा सकें? ज़िंदगी गुजारने के सही रास्ते दिखा सकें. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ चूजन एज द लास्ट मैसेंजर फ्रॉम अल्लाह टू कम्प्लीट द डिवाइन गाइडेंस. अच्छा, डिवाइन गाइडेंस मीन्स कि आप सबको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं. उनको अल्लाह ताला ने चूज़ किया ताकि वो अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ, और वो क्या थे? हमारे आखिरी पैगम्बर थे, अल्लाह के आखिरी नबी थे, जिन्होंने क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तालीम को पहुँचाया. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टेब्लिश फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना. अब आप लोग कहेंगे यार मदीना लिखा हुआ है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बेटा कि अल्लाह ताला के जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इन पे वही कब नाज़िल हुई? जब वो मक्का में थे. ठीक है, मक्का में उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, लोगों को अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई दिलवाई. लेकिन हुआ क्या था कि उन्हें वहाँ से हिजरत करनी पड़ी थी, मक्का छोड़ के मदीना आना पड़ा था. क्यों? क्योंकि मक्का के लोग उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाते थे. ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कहाँ हिजरत की थी? मदीने की तरफ हिजरत की थी, और वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश फर्स्ट इस्लामिक स्टेट, वहाँ पे उन्होंने एक इस्लामी स्टेट कायम किया था अबाउट 1400 ईयर्स अगो. एंड नाउ इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी. अच्छा, क्रिश्चियन का जो मज़हब होता है वो क्या होता है? क्रिश्चियनिटी होता है. ठीक है, ये वो मज़हब है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है. बट द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन क्या है? वो है इस्लाम, जो कि हमारा मज़हब है. ये कैसे फैला? ये अचानक से तो नहीं फैला होगा, ज़ाहिर सी बात है. अल्लाह के जो मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनके बाद आने वाले जो भी कैलिफ्स थे, खलीफा थे, उन्होंने अल्लाह ताला की तालीम को आगे पहुँचाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि इस्लाम दुनिया में फैल गया, और आज जो है इस वक्त इस्लाम सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है. ठीक है, देयर आर 52 इस्लामिक स्टेट्स इन दी वर्ल्ड. ठीक है, ये जो लाइन है देयर आर 52 इस्लामिक स्टेट्स इन दी वर्ल्ड, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी चैप्टर का एमसीक्यूज ही बन सकता है, की पॉइंट भी बन सकता है. एज यू नो दैट के चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो ये जो लाइन है आपकी देयर आर 52 इस्लामिक स्टेट्स इन दी वर्ल्ड, ये आपका की पॉइंट जा सकता है. ठीक है, या एमसीक्यूज भी बन सकता है. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का इन 571 AD इन दी पावरफुल ट्राइब ऑफ कुरैश एट दैट टाइम. अच्छा, उनका ताल्लुक किस कबीले से था? कुरैश कबीले से था, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्के में 571 AD, और उनका ताल्लुक किससे था? एक पावरफुल कबीले से था जिसका नाम था कुरैश. He was born an orphan and his mother died when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was only 6 years old. अच्छा, यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था. ठीक है, और उनकी मदर का इंतकाल कब हुआ था? जब वो सिर्फ 6 साल के थे. ये वो बातें हैं जो एक तरीके से आपको रिव्यू दिया जा रहा है. ये सब बातें आपको वैसे ही पता होंगी क्योंकि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं. At the age of 40, Angel Jibreel alayhi salam came and revealed to him the first verse of Holy Quran. जब वो 40 साल के थे तो उनके पास अल्लाह के उनसे कौन आए थे? हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम आए थे अल्लाह का पैगाम लेकर. क्या था वो? पहली आयत थी कुरान मजीद की.
Many people embraced Islam, but some people from Makkah became his enemy. बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मक्का में उनके दुश्मन थे, और वो आखिर तक उनके दुश्मन ही बने रहे ताकि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक ना फैला सकें. सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना ऑन फ्राइडे 622 AD. फिर वो कहाँ चले गए? वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत की मदीने की तरफ, और फिर अल्लाह का पैगाम उन्होंने वहीं फैलाया, यानी कि एक इस्लामी स्टेट की बुनियाद रखी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दी हुई है. ये पिक्चर किसकी है? मस्जिद कुबा, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है. ठीक है. ये सबसे पहली मस्जिद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ इसकी बुनियाद रखी थी. नाउ कम टू द पेज नंबर 82. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died on 12th Rabi Awal, the 11th year after Hijrat. He was buried in Medina. Okay, now this date 12th Rabi Awal. आपको पता है ये डेट आपको अक्सर पता चलता होगा कि यहाँ पे देखो डाइट लिखा हुआ है. ठीक है. लेकिन समटाइम्स हमारे जहनों में ये होता है कि ये डेट जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेट है. तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी क्लियर कर दूँ कि उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उस वक्त डेट्स का या कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं था. जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, तो बहुत सारे उलमा कराम के नज़दीक ये डेट जो है वो वैलिड थी, क्योंकि उस वक्त जो है हिजरत हो चुकी थी और तारीख लिखी जा रही थी. ठीक है. तो ये 12 रबी अव्वल आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी कौन सी डेट है, कंफर्म डेट है उनकी डाइट की. ठीक है. जो कि बहुत सारी रिवायत से साबित हुई हैं. द 11th ईयर आफ्टर हिजरत, यानी कि 11वें साल हिजरत के, ही वॉज बरीड इन मदीना. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? मदीना में है. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ खुलफाए राशिदीन फोर कैलिफ्स. खुलफाए राशिदीन में वैसे हम लोग कितने कैलिफ्स के बारे में पढ़ेंगे? फोर कैलिफ्स के बारे में पढ़ेंगे. आपको सबको पता है कि हमारे फोर कैलिफ्स कौन कौन से हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, और लास्ट वन इज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. सॉरी. अच्छा, इनके बारे में और इस चैप्टर को मज़ीद डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज का होमवर्क आपका ये है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने रीड आउट किया है, उसे आपने एक दफ़ा पढ़ना है, और खुलफाए राशिदीन की हेडिंग को खुद से घर में रीड आउट करना है. इन आर नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको इसके थोड़ा सा छोटा सा एक इसका रिव्यू दूंगी, और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.